हमारा ईमेल पहुंचा है। और अनुज अग्रवाल हमारे साथ में साइबर एक्सपर्ट इस वक्त हैं, और जनरल हमारे साथ में रिटायर्ड के सिन्हा हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और दोनों का ही एक बार स्वागत है। और अनुज अग्रवाल, आपके साथ शुरुआत करते हुए, इस पूरे मामले में एक ये एंगल निकलकर सामने आया कि एक तरफ कि ये जो मेल आया था वो रशिया से आया, लेकिन इसका एक दूसरा एंगल ये भी है कि आजकल इतनी हाई टेक्नोलॉजी है, हो सकता है कि इस तरीके से इसको एस्टैब्लिश किया गया हो कि ये लगे कि ये विदेशों से आया ईमेल है। आपका इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद क्या आकलन है? बिल्कुल आपने सही कहा, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, और ये नहीं कहा जा सकता कि जो लग रहा है कि रशिया या कहीं ऐसी जगह से मेल आया है, बल्कि हो सकता है ये कहीं लोकल लोगों की खुराफात ही होगी, और उसमें वर्चुअल आईडीज का यूज करके, वीपीएन का यूज करके आईपी रशिया या दूसरे कंट्रीज के दिए जा सकते हैं। समस्या ये है कि हमारे देश में ऐसी खुराफातें अक्सर होती रहती हैं, और बहुत सारे ऐसे थ्रेट आते रहते हैं और फर्जी आईडीज चलती रहती हैं, चाहे वो ट्विटर है, यूट्यूब है या जीमेल है, और उनका कोई समय रहते निस्तारण नहीं किया जाता, और आगे ये थ्रेट बढ़ता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी पूरा जो विश्व है इस समय वो डिजिटल वॉरफेयर की गिरफ्त में आ चुका है। जो असल लड़ाई है, चाहे वो देश के अंदर है या देश के बाहर के दुश्मनों से है, वो डिजिटल होती जा रही है। तो आज पुलिस ने तत्परता से काम किया और जगह जगह स्कूल खाली कराए वगैरह वगैरह, लेकिन इतने बड़े स्केल पर उन्हें, हमारे पास कई फोन आ रहे हैं और बच्चों के संबंध में फोन आ रहे हैं कि भाई आपके बच्चे सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है दिल्ली में। तो ये जो ईमेल आई है वो निश्चित रूप से देश के अंदर के ही लोगों की खुराफात है, और उन्होंने रशिया जो कि एक फ्रेंडली कंट्री है वहां के आईपीज को मिसयूज किया है, और ये बड़ा आवश्यक है कि दिल्ली पुलिस और जो दूसरी एजेंसीज हैं वो इसको ध्यान से देखें और उन खुराफाती लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, ताकि आगे इस तरह की कोई समस्या हमारे देश के और बच्चों के सामने बिल्कुल ना आए। जाहिर तौर पर एक इतना स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि एक नजीर पेश हो। और देखिए हमारे साथ में क्योंकि के सिन्हा भी हैं, के सिन्हा जी, एक सुबह से ये एंगल भी निकलकर सामने आया था कि हो सकता है कि इसमें कोई बाहरी साजिशें हों या कुछ बाहरी ताकतें हैं, क्योंकि देश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है। आप क्या मानते हैं, क्या वाकई ये एंगल भी हो सकता है इस पूरे मामले में, क्योंकि अभी तो हर एंगल से जांच हो रही है? देखिए पूजा, जो ये पूरी पूरी कारनामे हुए हैं, और जिस तरह से पूरे देश के अंदर में जो समय है, जो वक्त है, और जो जिस समय ये चीजें हुई हैं, हमारे बहुत आप देख ही रही हैं चुनाव की सरगर्मी के बीच में, और जो भी इस तरह की हरकत करता है साइबर डोमेन के अंदर में, उसकी साइबर मोटिव्स होती हैं, और वो तीन चार चीजों को एड्रेस कर रहा है। और जिस तरह से ये चीजें आई हैं, देखिए दिल्ली के अंदर पहला टाइमिंग देखिए, दूसरे चरण का इलेक्शन होने के बाद ये आई है, और इसमें क्या चीज है, क्या बॉम्ब का हॉक्स कॉल है जिसमें 100 से ज्यादा स्कूल्स का है। तो देखिए इसमें टारगेट, जब हम इसको साइबर डोमेन के अंदर में इसकी हम पूरी एनालिसिस करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी मोटिव क्या है, उसका एम क्या है, क्या केवल मोटिव है कि तंग करना, या एक एक अफवाह, एक संदेश, एक हंगामा पैदा करना। मगर देखिए क्या है कि पूरे देश के अंदर में आप देख रही थी कि साइबर डोमेन में, खास करके जब हम हाइब्रिड से जोड़ते हैं इसको, तो एक तरह से हमने इसमें काफी हद तक, सीमा तक हमने इसमें एक सफलताएं पाई हैं। और इलेक्शन के दौरान वो क्या आपको एड्रेस कर रहा है कि आपका देश सुरक्षित नहीं है, आपके जो भी तंत्र हैं, पुलिस एक बहुत बड़ा तंत्र है, दिल्ली के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं, देखिए 7 तारीख का समय है, और इस समय आप इसको करते हैं तो उसका एम, और उसमें काफी तक वो अचीव भी करते हैं, वो जितना सनसनी फैला करना चाहते हैं उन्होंने पैदा किया, एक चेयर फिर से डोमेन हो गया कि भारत सुरक्षित नहीं है। तो आपके सीमाओं को, और उसमें एम कितना अचीव हुआ कितना नहीं हुआ वो बात दूसरा है। बात यह है आज के दिन में, क्योंकि ये हमें आज जो टेक्नोलॉजी हमें देखती है, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या हमारे जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो आज के समय में, और देखिए ईमेल में आया है इसको आप देखिए, ये कोई आपको सोशल मीडिया डोमेन में नहीं आई है, ट्विटर में नहीं आया है, व्हाट्सएप में नहीं आया, जिसकी अलग प्रक्रियाएं लड़ाइयां चल रही हैं, क्योंकि उनके सारे सर्वर हमारे यहाँ नहीं है, कोई आपको उसको देता है कि कौन उसका ओरिजिनेटर है। इसमें जो ओरिजिनेशन की बात हो रही है, आपने कहा ना कि वर्चुअल आईपी बनते हैं, हमारे मित्र जो बैठे हैं हमारे साथ उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी इसको फेक कर सकता है, कोई भी इसको इन चीजों को कर सकता है। डेफिनेटली हमें इन ये चीज को हमें समझने के लिए, क्योंकि हमें लेयर्स करने हैं, हमें फिल्टर्स
खड़े करने हैं और फिल्टर्स, और ये हमारे लिए चैलेंज भी है। एक यदि आप लें कि इस समय हुआ है, कभी भी हो सकता है कल कोई हमारे भारी ताकत हमारे के ऊपर, कोई मान लीजिए हमारा कोई सीमाओं के ऊपर में ही, आप देखिए कि इंडो पैसिफिक जिस तरह से हो रही है, जिस तरह से चीजें आप पूरे विश्व के अंदर में देख रही हैं, वर्ल्ड इज एट वॉर। इस समय इस हाइब्रिड, क्योंकि इसको आप हाइब्रिड वॉर का एक एक अंग लेकर चलिए, आप एक बहुत ही सेंसिटिव इशू की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यह शुरुआत मात्र है और आने वाले दिनों में खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें इसके अभी से प्रावधान करने होंगे। सर मैं आपके पास वापस लौटूं तो अग्रवाल जी, आप जब प्रावधान की बात कर रहे हैं कि इसका बचाव, इसका तोड़ हमें ढूंढना होगा, और ये कोई पहला मौका नहीं जब इस तरह के हॉक्स कॉल्स आए हों, लेकिन इससे पूरा एक बार को सिस्टम हिल जाता है। हालांकि सिचुएशन इस बार बहुत ही जल्दी से कंट्रोल कर ली गई और ऐसा पैनिक नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए क्या क्या इंतजाम होने चाहिए, आपके क्या सुझाव हैं? देखिए, हमारे लिए साइबर सर्विलेंस बहुत जरूरी है। हमारा एक बहुत बड़ा देश है और डिजिटल क्रांति होने के बाद ना सिर्फ शहर के बल्कि गांव दूर देहात के लोग भी पूरी तरह डिजिटल से जुड़ चुके हैं। डेफिनेटली, तो इस प्रकार की ईमेल अभी तो दिल्ली में आई है, कल को ये छोटी जगहों में भी आ सकती है, छोटे शहरों में, पूरे देश में आ सकती है। कोई कॉस्ट जो भेजने वाले हैं उनकी तो है नहीं, उनके लिए तो बिल्कुल फ्री सेवा है, वो जिसको चाहे ऐसी कोई भी खुरापाती ईमेल भेज सकते हैं। लेकिन हमारा देश के लिए ये बहुत आवश्यक है कि ना सिर्फ दिल्ली में, पूरे देश में हम साइबर सुरक्षा इंश्योर करें कि अगर ऐसी कोई ईमेल भेजता है, पहली बात क्योंकि ये एक प्रकार की स्पैम या स्पूफ या नकली ईमेल है, निश्चित रूप से ये नकली ईमेल है, तो ये क्यों ऐसे लोगों तक पहुंची, क्यों ये स्कूल तक पहुंची, क्या हमारे देश की सुरक्षा इतनी कमजोर है? ऐसे तो कोई मिसाइल भी एक्चुअल में हमारे यहाँ आ सकती है, हमें उसको पहले ही रोकना होगा ना। आने के बाद थोड़ी ना हम लोगों का इलाज करने की बात करेंगे कि भाई लोग बीमार पड़ गए तो उनका इलाज कर रहे हैं, हमें उसे रोकना होगा। तो सबसे पहले व्यवस्था हमें ये करनी होगी कि इस प्रकार की खुरापाती ईमेल जो कि दिख रहा है कि जैसे किसी मित्र देश से आ रही जबकि नहीं आई है, उसको रोकना होगा। और उनको जिन लोगों ने भी भेजा है, भेजने का प्रयास किया है, अभी और भी हो सकता है, उनको निश्चित रूप से कड़ी सजा जल्दी से जल्दी देनी होगी, ताकि जो लोग अभी इसके बारे में सोच रहे हैं कि कल को हम हिंदुस्तान में ऐसे देश में और खुरापात खड़ी करें, चुनाव का भी समय है, या वैसे भी हर समय हमारा देश का समय सेंसिटिव है, लोग अपने बिजनेस व्यापार में लगे, उसके लिए भी हमें पुख्ता व्यवस्था करनी है। अभी ऐसी फायरबॉल्स हमारे देश में नहीं है, चाइना में ये सब नहीं होता है। आप देखिए, हम चाहे चाइना की कितनी भी बुराई करें, उनके व्यवस्था की बुराई करते हैं हम कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा के मामले में वो ज्यादा संजीदा हैं, ऐसी चीजें उनके यहाँ नहीं होती है। और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये कोई निजता से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये देश के हर व्यक्ति की, बच्चे की सुरक्षा का मामला है। हमें इस पर गंभीर होकर एक फायरवॉल बनानी चाहिए कि ऐसे खुरापाती संदेश कोई भी हमारे देश में किसी के लिए भी भेजना चाहता है, उसको इफेक्टिवली रोका जाए और उसको पकड़ा जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और के सिन्हा जी, फिर एक सवाल ये उठकर सामने आता है कि अभी जो हमारे पास में सिस्टम है, अगर ये बाहरी ताकतों का भी अगर ये प्लान है जो कि नाकाम हो चुका है, या फिर अगर ये इंटरनल भी है, तो क्या हम उतना सशक्त हैं? क्योंकि एक सवाल ये उठा कि ऐसा कैसे हो गया, हमने सिचुएशन को कंट्रोल किया, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ना हो उसको रोकने के लिए हमें क्या इंतजाम करने की आवश्यकता है? देखिए पूजा जी, इसके ऊपर में जिस हम कहते हैं ना, ये आपकी कार्रवाई अभी चल रही है, और ये चल रही है उतनी वॉर फुटिंग में नहीं हो पाई है, उसका बहुत सारे कारण है। पहला देखिए, देश के कैपिटल के बगल में ही आपको पता होगा कि ये गुड़गांव के आसपास में एक ऐसा कस्बा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ नहीं तो फिर ये सेंसेशन हो जाएगा, जहां पर एक हैकर्स पूरे साइबर क्राइम की एक गढ़ इकट्ठा हो गई थी, और लोग वहां इकट्ठा होने दिए जितने भी। उसी तरह बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है और उसका भी नाम आता है, तो वो भी नाम नहीं लूंगा आपके, क्योंकि ये सब है पब्लिक डोमेन के अंदर में। वहां पर भी इस तरह से चीजें पूरी की पूरी उसको व्यवस्था को करने दी गई, देश के अंदर से ही कर रहे थे, जो अभी हमारे मित्र बता रहे थे इन चीजों को, क्योंकि ये शायद देश से ही चला हुआ है और इसमें भी दूसरे, मगर बात ये है कि ये कहीं भी उठी हो, चाहे रशिया में हो, चाहे नॉर्थ कोरिया, क्योंकि रशिया नॉर्थ कोरिया ये देश हैं जहां पर से साइबर क्राइम बहुत बड़ी तादाद में होती है, वो देश से चलाया हुआ नहीं होता है, वहां पर उन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि उन चीजों को करती हैं और व्यवस्थाएं। भारत के अंदर ही
कैपिटल से थोड़ी दूर ही, जिसको आज तोड़ा गया उसको खत्म किया गया है आज से तकरीबन यू नो 8-9 महीने पहले, पूरी की पूरी व्यवस्था को हम, तो हमें जरूरत है। देखिए एक मिसाइल डिफेंस की बात आपने सुनी होंगे, मिसाइल अम्ब्रेला की बात जो आज पूरा विश्व के अंदर में चल रहा है, चाहे वेस्ट एशिया में हो चाहे वो यूरोप में हो, उसी तरह एशिया में भी, उसी तरह एक साइबर अम्ब्रेला की बात होती है। साइबर अम्ब्रेला हम अपने देश में, और देखिए जब हम तुलना करते हैं इसको चाइना से, चाइना इसके ऊपर में बहुत सजग है। चाइना की अपनी एक साइबर आर्मी है, साइबर आर्मी के दो होते हैं, एक होता है ऑफेंसिव एक डिफेंसिव, तो आप दोनों चीज को करते हैं। तो साइबर जो डोमेन है ये साइबर डोमेन का हिस्सा है, और साइबर डोमेन के अंदर में भी क्योंकि हमारी अभी भी उतनी कार्रवाइयां नहीं हुई हैं जितनी कार्रवाइयां होनी चाहिए। ये केवल ऐसा नहीं कि दिल्ली पुलिस का है, अभी क्या है आज के दिन में जो फायर फाइट हो रही है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। वो कहते हैं कि ठीक है हमने ये पता कर लिया, हमने अभी तो कहते हैं कि हम इंटरपोल को भी यू नो इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, मगर ये ऐसी होनी चाहिए कि आप, और AI आपको देता है ये ताकत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ताकत देता है, इसके ऊपर यदि काम करें, और ये काम हो रहा है आज नहीं तो कल, जब हम कहते हैं ना कि पूरे के पूरा साइबर अम्ब्रेला हमारे यहाँ होगा, जैसे ही इस तरह की यू नो जो फेक IDs हो या IDs हो या ऐसे प्रेरित हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये फेक है या ये कोई ऐसा है यू नो किसी ने आपको तंग करने के लिए, इसके अंदर में तथ्य भी हो सकते हैं उसने किया हो। मान लीजिए एक खुदा ना खास्ता एक स्कूल में कहीं पर भी थोड़ा सा कोई और हादसा हो जाता तो वो तो पूरा का पूरा आ जाता ना, पूरे विश्व के अंदर में ये चल पड़ती। और आज के दिन में जब मीडिया देखिए बहुत एक्टिव है मिनट टू मिनट, और कल ही आप देखिए आप यू नो चाहे उसके अंदर में मीडिया के दूसरे जो तंत्र हैं, जैसे जो लिखित मीडिया है जिसमें आप बात करते हैं, चाहे वॉशिंग पोस्ट हो या चाइना के अपने, तुम्हें वहां से आपकी खबरें चलती हैं, कुछ लीक की जाती है और इसके अंदर में बहुतों का हाथ होता है। आपने चाइना का जिक्र किया तो KK सिन्हा जी, सुबह जब ये खबर आई थी तब ये भी एक एंगल आया कि जैसे बात अगर करें हर इलेक्शन में, यहाँ भारत ही नहीं बल्कि बाहरी इलेक्शन जो होने वाले हैं जिन देशों के अंदर, वहाँ पर भी चाइना अपना इन्वॉल्वमेंट इन एनी वे रखना चाहता है, क्या यहाँ पर ये एंगल हो सकता है क्या? 100% देखिए ये मैं तो वही दिखा आपको बता रहा हूँ, ये है ही यहाँ से ऑरिजिनेट। आप ये कहेंगे कि उसको तो रशिया को ये दिखा रहा है कि उस रशिया को, अदरवाइज ऑरिजिनेटेड ही है यहीं से आपके इलेक्शन के समय में, और उसके बहुत सारे पहलू हैं। हम एक पहलू अभी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वो आपको किस एंगल्स में उसको देखिए, और खास करके जब आपके देश में इस तरह से सेंसिटिव समय हो, आप देखिए मई तक ये चीजें और बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आप बार बार देखेंगे, अभी तो दूसरे चरण का इलेक्शन हुआ है, तीसरे चरण का चलना है, और इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। और मैं आपको बताता हूं उनके जो वॉरियर्स हैं, जो साइबर वॉरियर्स हैं, ये आपको मिनट टू मिनट टारगेट करते हैं। और क्यों दिल्ली में, क्यों आज के दिन में, इसके पहले किसी ने कोई बयान किया, छोटा सा कोई बयान आता है मिडनाइट में, और आपके चैनल में भी चल रहा है, मैं नामों को नहीं यू नो खुले तौर पे ले रहा हूं, एक कोई करता है उसके रिप्लाई में आपका ये आ जाता है कि आपको आपके स्कूलों को टारगेट कर लिया जाता है, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो ये चीजें हैं, आप इसको ना तो आज देखिए ना, पूरा तंत्र इस पे लग गया, पूरी मीडिया इसके ऊपर हो गई, और लगना भी चाहिए, और भी एक्सपोज होना चाहिए, और भी प्रखर होना चाहिए, और भी मुखर होना चाहिए। इसके अलावा जो मैं फिर से बात करता हूं, साइबर अम्ब्रेला कोई बात नहीं करता, साइबर अम्ब्रेला एक ऐसा है जिसके अंदर में आपको किसी को नहीं, आपको इतनी पावर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि कोई भी इस तरह से चीजें होंगी तो वो अपने आप फ्लैश करना शुरू कर देगा कि इसकी सत्यता कितनी है, कितना इसमें मिलावट है, कौन इसको करता है, और वो उसकी काट है, वो ऐसा कोई छिप करके नहीं कर सकता। यदि ओरिजिनेटर है तो वो ओरिजिनेटर के पास आपको दिखा देगा, फ्लैश करेगा, और इस तरह से चीजें होंगी। तो मिनट टू मिनट आपको मिनट टू मिनट लड़ना है साइबर अम्ब्रेला के अंदर में। अब जब आप इसके साइबर डिफेंस अम्ब्रेला जो आप करते हैं, जिसकी बात करते हैं, ये आपको 365 दिन और 24 घंटे में हर एक घंटे तक इसकी यू नो ये तरह की वॉरफेयर चलती है, और इस वॉरफेयर में के लिए तैयार होना चाहिए कि दुनिया उसी रास्ते में निकल रही है। आप बताइए दुनिया इस दिशा में आगे बढ़े। सर मैं आपके पास वापस लौटती हूं अनुज अग्रवाल जी, जिस साइबर अम्ब्रेला का जिक्र किया जा रहा है, क्या हम उस दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं? और जब हम डिजिटली हर
जो भी, चाहे वो सरकार की योजना हो या कोई भी काम हो, आज हम टेक्नोलॉजी के युग में इतना आगे बढ़ रहे हैं और जब इंडियंस की बात आती है तो हाईटेक हो रहा है इंडिया। उस हाईटेक इंडिया के लिए हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमने अपने बचाव का इंतजाम किया है पूरा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रखा है और मेरे देश के सामने, इसमें अभी हम काफी पीछे हैं या इस पर अभी विचार ठीक से नहीं हो पा रहा है। और चूंकि उसमें कुछ पहलू हैं जिसमें निजता और जानकारी का शेयर करने वाली बात भी आ जाती है कि भाई लोगों की निजी जानकारी भी कहीं ना कहीं फिर फिल्टर होने लगेगी या उसको सरकार या उसकी एजेंसी देखने लगेगी, तो उसके लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क प्रॉपर बने और कहीं ना कहीं विश्वास की कमी, जो पक्ष विपक्ष के लोग हैं, हमेशा हमारे देश में एक दो खेमे बटे रहते हैं किसी भी राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा होता है। अब जैसे ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अगर बच्चों की सुरक्षा पर खतरा आ रहा है तो कोई पक्ष विपक्ष रहेगा? कोई नहीं रहेगा, सभी के बच्चे स्कूलों में जाते हैं। और कोई भी खतरा अगर बच्चों के लिए होता है, स्कूलों को होता है, मंदिरों को होता है, किसी भी ऐसे संस्थान को, बाजार को होता है, तो वो सभी के लिए लागू है। लेकिन जब भी हमारे यहाँ देश के बारे में कोई ऐसी बात करनी होती है तो हम लोग दो खेमों में बढ़ जाते हैं और ऐसे चीजों को देश की सुरक्षा के ऊपर रख देते हैं, तर्क वितर्क में लग जाते हैं कि समय और अपॉर्चुनिटी नष्ट हो जाती है। तो अभी हमारे पास ऐसा व्यवस्था नहीं है। हमने बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज देखी हैं जिसमें अगर हम साइबर एरा में जाते हैं कंप्लीटली, तो वहां पर ऐसे डेविल हो जाते हैं इसी साइबर एरा में। तो एक एक डर लोगों में वो भी है कि अगर आपकी पूरी जानकारी अगर सामने है और इजीली अवेलेबल है, अगर वो हैक हो गए तो फिर इस तरह के जो डेविल्स हैं जिनको साइबर मॉन्स्टर्स कहा जा सकता है, पूरी की पूरी कमांड उनके हाथ में जा सकती है, पूरी पावर उनके हाथ में जा सकती है, वो चाहे फिर जो कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये साइबर मॉन्स्टर कोई थ्योरेटिकल आइटम नहीं है, ये ऑलरेडी ऐसे मॉन्स्टर्स हैं हमारे समाज के अंदर और लोगों को तरह तरह से साइबर क्राइम कर रहे हैं, जिसमें डिजिटल अरेस्ट और महिलाओं और बच्चों की तस्वीरें और उनके वीडियो को लेकर और उसको गलत तरीके से पेश करना, जिसमें डीप फेक्स भी सामने आ रहे हैं। अभी कई FIR रश्मिका मंदाना वगैरह कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके लिए उन्होंने इस तरीके का किया है, तो ये साइबर मॉन्स्टर्स ऑलरेडी हैं। इसलिए हमारे देश को और समाज के सभी लोगों को, पक्ष विपक्ष को साथ में आकर इस आने वाले बड़े खतरे को रोकने के लिए देश के सामने जो सुरक्षा का चक्र बनाने की आवश्यकता है, डिजिटल सुरक्षा चक्र। सुरक्षा चक्र हमें सिर्फ मिसाइलों से खतरा नहीं है, हमें आज डिजिटल से ज्यादा खतरा है, साइबर से ज्यादा खतरा है। उसके लिए हमें आगे आके बहुत संजीदगी से, बहुत तत्परता से, तुरंत, मतलब इसमें समय नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि हम अभी सोचेंगे, अगले साल करेंगे वगैरह वगैरह, ये कुछ नहीं। जैसा खतरा आज आप देख रहे हैं दिल्ली में है, अगर अभी 10 शहरों में और ये खतरा पैदा हो जाए तो हम लोग तो परेशान हो जाएंगे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अभी मैं समझ रहा हूँ, ये तीसरा चैनल है जिस पर मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि देश में कितनी चिंता है, पत्रकारों को कितनी चिंता है इसमें, बहुत पूरे, क्योंकि पत्रकार बड़ी बात ये है कि जिन पेरेंट्स को आज इस बारे में सूचना मिली, लोग अपने काम पर नहीं गए, लोगों ने अपने काम का छोड़ा, क्योंकि बच्चों से ज्यादा प्रायोरिटी किसी कोई चीज नहीं होती किसी माँ बाप के लिए। तो इसके लिए हमारे को पक्ष और विपक्ष, जो भी हमारी जो दो थॉट प्रोसेस है, उसको साथ आना है, देश को ध्यान में रखते हुए, समाज को, बच्चों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल सुरक्षा चक्र पर शामिल होना है। निजता जितनी आवश्यक है उतनी कानून बनाया जाए, उसको दी जाए, लेकिन जहां सुरक्षा का मामला है, बच्चों का मामला है, देश का मामला है, उस पर किसी प्रकार के सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा सबसे ऊपर, जब हम और आप होंगे, हमारा आपका परिवार, बच्चे होंगे, बाजार होगा, स्कूल होगा, तभी निजता या कोई ऐसी चीज सामने आ सकती है, तभी उसका फायदा या नुकसान है। इस पर बिल्कुल डेले नहीं करना है, चाइना हो या कोई भी देश हो, उससे हमें एग्जाम्पल लेना है या तकनीकी लेनी है, हमारे पास खुद इतनी कैपेबिलिटी है कि हम खुद कर सकते हैं, लेकिन जो इच्छा शक्ति है उसकी बड़ी कमी है, सामाजिक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, उसको लाएं और देश के अंदर की तकनीक को इस्तेमाल करते हुए इस सुरक्षा चक्र पे तुरंत काम शुरू हो और उसको पूरा किया जाए और ऐसे खतरों से देश को बचाया जाए। अब ये एक ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। और के सिन्हा जी, एक और बात निकल कर सामने आती है, वो ये है कि भारत में टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं, बहुत पोटेंशियल है, क्या हम उस पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन अभी कर पा रहे हैं इस दिशा में? देखिए, हम जो आपने सवाल किया बहुत अहम सवाल है और मेरा इसका सिंपल आंसर है कि हम उसको 5% भी यूज नहीं कर पाए हैं।